नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण। कोई भी व्यक्ति पावर और पैसे के लिए यानी सत्ता और पत्ता के लिए किसी भी हद तक जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आज नहीं हो रहा बल्कि हमेशा से होता आया है। पहले भी इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है सन 1977 की, जब विपक्ष की रैली को फ्लॉप करने के लिए टीवी पर बॉबी फिल्म दिखाई गई ताकि लोग घरों में बैठकर टीवी देखें और रैली में न जाएं। ठीक वैसे ही जैसे आज किसी एक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया पर किसी दूसरे मुद्दे को उछाल दिया जाता है। उस वक्त संचार का सशक्त माध्यम टीवी और रेडियो था। लोग टीवी के युग में प्रवेश ही किए थे सन 1977, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। ऐसे समय में जब आम लोगों के मन में सवाल उठने लगा था कि क्या देश में लोकतंत्र की वापसी हो पाएगी या नहीं, इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को रेडियो पर इमरजेंसी खत्म करके चुनाव कराने का ऐलान किया था। इंदिरा ने कहा था, करीब 18 महीने पहले हमारा प्यारा देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। उस वक्त राष्ट्र में स्थितियां सामान्य नहीं थीं, अब हालात स्वस्थ हो चुके हैं, इसलिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। इंदिरा की इस घोषणा के बाद चुनावी कुरुक्षेत्र सज गया, राजनीतिक ब्रह्मास्त्र साधा जाने लगा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी एक पुस्तक भारत नेहरू के बाद में लिखा है, इधर इंदिरा रेडियो पर भाषण दे रही थी, उधर उनके विरोधियों को जेल से रिहा किया जा रहा था। इंदिरा की घोषणा के अगले ही दिन 19 जनवरी को मोरारजी देसाई के दिल्ली स्थित आवास पर चारों बड़े विरोधी दलों जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ ने तय किया कि वे एक ही चुनाव चिन्ह हलधर किसान के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। इसके 3 महीने के अंदर चुनाव हुए और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देखने को मिली। अब तक जीत का रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस 154 सीटें ही ला सकी। 1971 में हुए चुनाव की तुलना में उसे करीब 200 सीटें कम मिली। इंदिरा और उनके बेटे संजय गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके थे। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जनता पार्टी ने विशाल जीत दर्ज की। विशेष रूप से उत्तर भारत में जनता पार्टी को भारी सफलता मिली। गुहा लिखते हैं, मार्च के अंत में चुनाव होने थे। इसी दौरान 6 मार्च को रविवार के दिन विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा की थी और यहीं से शुरू होता है शहमात का खेल। चुनावी चौसर पर बिछ जाती है विषाद। सरकार ने विपक्ष की इस रैली को फ्लॉप करने के लिए टेलीविजन पर रोमांटिक हिट फिल्म बॉबी का प्रसारण करवाया ताकि लोग रैली में न जाएं और विपक्ष की रैली फ्लॉप हो जाए। लेकिन जनता की आंधी को रोकने की ताकत किसी सत्ता या सरकार में नहीं होती। इस रैली में जयप्रकाश नारायण को सुनने के लिए लगभग 10 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस चुनाव के बाद पहली बार देश में 2 उप प्रधानमंत्री देखने को मिले, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। चुनाव में चूंकि विपक्ष एकजुट था, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 ही पार्टियों ने चुनाव लड़ा। जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर लड़े। वहीं 15 क्षेत्रीय पार्टियों, 14 रजिस्टर्ड पार्टियों ने हिस्सा लिया। इमरजेंसी के समय कांग्रेस में रहे दलित नेता जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से पार्टी बना ली। उनके साथ हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदी सतपथी ने भी कांग्रेस छोड़ी। दक्षिण में आपातकाल के बाद भी कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ। आंध्र में उसने 42 में से 41 सीटें जीती, कर्नाटक में 28 में से 26, केरल में 20 में से 11 और तमिलनाडु में 39 में से 14 सीटें मिली। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि राजनीति में युवाओं का पदार्पण हुआ और कई युवा नेताओं को जीत मिली। बिहार के हाजीपुर सुरक्षित सीट से रामविलास पासवान ने करीब 4.25 लाख वोटों के अंतर से जीत कर रिकॉर्ड बनाया। आपातकाल के बाद नई दिल्ली में जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का एक जनसभा में सुनाया गया यह शेर तब काफी चर्चा में रहा, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। 1977 के चुनाव के बारे में राम बहादुर राय लिखते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस जेल से चुनाव लड़ रहे थे,
मुजफ्फरपुर में उनके पोस्टर में हथकड़ी और बेड़ी लगाकर लोगों को दिखाया जाता था। वर्तमान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके पति स्वराज कौशल ने जॉर्ज के प्रचार में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। परिणाम के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए तीन प्रबल दावेदार थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह। लेकिन जेपी की राय मोरारजी देसाई के पक्ष में गई और वे ही प्रधानमंत्री बने। चुनावी किस्से में आज इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इनबॉक्स में कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया, धन्यवाद।